हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। मतवाला हमारी नगरिया, हमारा सतगुरु आया। मतवाला हमारी नगरिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलो गोविंद गुरु जी की जय। बोलो गोविंद गुरु जी की जय। बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में लगा लोगों का जमावड़ा। लाखों की संख्या में लोगों ने मानगढ़ धाम पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि आम जनता को पहाड़ी पर जाने की अनुमति नहीं थी। आम जनता के लिए पहाड़ी के नीचे जगह जगह दो दर्जन से अधिक LED स्क्रीन लगाई गई, जहां आम लोगों के लिए नीचे बैठने की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की जनता में विशेष उत्साह नजर आया। हर कोई प्रधानमंत्री मोदी को लाइव सुनने के लिए बेकरार था। क्षेत्रवासियों ने भजन एवं नारों से अपनी खुशी जाहिर की। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़े उन तथ्यों के लिहाज से मानगढ़ धाम का ये कार्यक्रम अपने आप में काफी अहम। आप सोचिए उस वक्त कि कैसे जो भील जनजाति है, ये जो आदिवासी समाज है, जिसकी वैसे भी स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका रही है। जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम बात करते हैं जब भारत को गुलामी की बेड़ियों में झगड़ा हुआ था, उससे आजाद कराने में आदिवासियों की भूमिका को नकारा है, भूला नहीं जा सकता। और उस लिहाज से 1500 से ज्यादा आप मान लीजिए आदिवासी शहीद हुए होंगे। नशे के कारोबार के खिलाफ जब उन्होंने आवाज उठाई, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जिनके तमाम जो ऐलान थे, तमाम जो पैगाम थे, वो वहाँ रहने वाले लोगों को, क्योंकि वो उनके अंतरात्मा को झकझोर कर दे रहे थे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के खिलाफ था। लेकिन डूंगरपुर जिले से बहुत सारी महिलाएं आज मोदी जी के इस सभा में बहुत सारी उम्मीदें लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। और मानगढ़ बलिदान की भूमि है, शौर्य की गाथा है, उसको देखने के लिए, समझने के लिए, जो हमारा इतिहास है उसके बारे में जानने के लिए आज हम लाखों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता सब उपस्थित हुए और मोदी जी के प्रोग्राम को देखने के लिए उत्साहित है। हम सवेरे 5 बजे से निकले हैं और मोदी जी की सभा स्थल तक आ पहुंचे हैं। और बहुत खुशी का विषय है, जो हमारी राजस्थान की धरा और गुजरात सीमा पर मोदी जी का प्रोग्राम, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश और देश को मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले, ये हमारा भाग्य, और भाग्य नहीं, हमारा सौभाग्य। हम 7 जन्म तक जाएं तो हमारे, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे को मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले और हमारे इस देश दुनिया का उद्धार हो जाए। इसलिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बीच का खड़गदा की टीम भी आई है, मीडिया प्रभारी प्रकाश जी भी हमारे बीच है, प्रधान जी हमारे बीच है। ये मंडल अध्यक्ष हमारे बीच है, 85वीं सदस्य भी है, जिला परिषद सदस्य भी है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारीगण एवं इस सभा में उपस्थित राजस्थान बोलो गोविंद गुरु जी की जय। बोलो गोविंद गुरु जी की जय। मानगढ़ धाम की जय। आदिवासी भाइयों की जय।
भाई साहब बताइए अपना मोदी जी ने भाषण अपने कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या कहते हो मोदी जी के बारे में? मोदी जी अच्छा देश चलाएंगे, देश के लिए सोचते हैं, लोग मुझे महंगाई के लिए रोते हैं, वो कैसे मोदी जी देश के लिए अच्छा होके आगे ले जा रहे हैं। कहां से आए आप? हम दरियावत तहसील से आए हैं, प्रतापगढ़ जिले से आए। बताइए आपको कैसा लगा मोदी जी ने? नहीं अच्छा लगा, ये शामिल हमें जो बोल के अच्छा लगा, अच्छा लगा। 2024 भाई हैं ये। बताइए आप मोदी जी का भाषण आपको कैसा लगा और कैसा लगा कार्यक्रम? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भाषण, यहाँ के लोगों ने बड़े समय व्यतीत करते हुए उनकी भाषण को तन्मयता से विश्वास से सुना। उन्होंने मानगढ़ धाम को, चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और यहाँ के जितने भी आदिवासी भाई हैं उन सबके लिए पूरे चारों राज्यों को मानगढ़ धाम के अंदर सारा पोर्टल के हिसाब से अपनी व्यवस्था करने के लिए इनको निर्देशित किया। सभी बताइए मोदी जी का भाषण कैसा लगा आपको? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मोदी है तो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी है तो हम ही बोलू। अरे बढ़िया लगी, मोदी साहब जी का बात है, मोदी है तो मुमकिन है, घर घर मोदी है। अरे मोदी तो मोदी है, सबने चाहिए, 2 लाख हो 2 लाख ऊपर। सतगुरु आया मतवाला हमारी नगरिया, मर सतगुरु आया मतवाला हमारी नगरिया, हमारी नगरिया, हमारी नगरिया, हमारी नगरिया, हमारी नगरिया। बांध पगड़िया लिए कुंवरिया स्वच्छन वस्त्र धारे, बांध पगड़िया लिए कुंवरिया स्वच्छन वस्त्र धारे, गुड़ा हुआ जवान देख लो केला तनकारी, अरे कैसा रंग सवरिया डा, हमारी नगरिया, हमारी नगरिया, हमारी नगरिया, हमारी नगरिया। लिए सरंगी ज्ञान की जोगी गली गली में घूमे, लिए सरंगी ज्ञान की जोगी गली गली में घूमे, नीर बांध कर देता सबको चरणों को चूमे, करता अद्भुत खेल निराला हमारी नगरिया, हमारी नगरिया। गोविंद गुरु महाराज की जय, बोलो गोविंद गुरु महाराज की जय। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा प्रत्याशी शंकरलाल जी है। शंकरलाल जी बताइए, जो जन सैलाब है आज मोदी जी का, हाँ। बारे में बताइए, ये जन सैलाब कल से लगा हुआ है, बताइए इसके बारे में। ये मानगढ़ जो हमारे शहीदों की भूमि है, तपो भूमि है, तपस्वी भूमि है, यहाँ पर साधु संतों का बहुत बड़ा यहाँ पर मेला लगता है, और आज यहाँ पर जो पब्लिक आई है, यहाँ मोदी जी यहाँ आने वाले हैं मानगढ़ धाम पर, और जो शहीद स्मारक है वो राष्ट्रीय स्मारक यहाँ पर घोषित करने वाले हैं। रात से ही यहाँ पर पब्लिक आ गई है, और इतिहास में पहली बार इतनी पब्लिक हमने यहाँ पर लोग आए हुए देखे हैं, और अभी भी लोग आ रहे हैं। यहाँ देखे तो ये बहुत बड़ी पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ी के ऊपर पैदल चल रहे हैं, ऊपर जगह नहीं है, सारे लोग यहाँ नीचे वापस उतार रहे हैं। तो मोदी जी ने जो देश में काम किया है, और इसको देखते हुए जन जन के मन में मोदी जी की आस्था, और यहाँ पर आए हमारे साथ में डिप्टी डायरेक्टर पूर्व रिटायर्डमेंट भी हमारे साथ में है, भाई मानशंकर जी से बात कराओ, उमा शंकर जी भी, और पार्टी के सभी कार्यकर्ता। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो पब्लिक आई है वो बिन बुलाए हुए पब्लिक आई है, क्योंकि मोदी जी को देखने के लिए, और मोदी जी ने जो देश में मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जो काम किया है, और इसीलिए यहाँ पर पब्लिक को बुलाना नहीं पड़ता, पब्लिक ऐसे ही यहाँ पर आई है। और मानगढ़ धाम जो है तपोभूमि है, यहाँ पर आदिवासी जो संत यहाँ पर सभा कर रहे थे, और अंग्रेजों के शासन में इनका यहाँ पर जो हत्या की गई गोलियाँ चला करके, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भारी संख्या में सभी समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद।
हमारे भी जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी है जो जनजाति का ही कार्यक्रम है साहब, और आप पिछले 3 दिनों से यहाँ पे हैं कनक मंडी सटारा के साथ या अर्जुन जी मीणा के साथ, तो बताइए। बोलिए गुरु गोविंद महाराज की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजू भाई एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, हम सब जनजातीय अंचल के सारे बंधु, सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सर्व समाज के लोग मोदी जी के प्रति अगाध प्रेम और जो स्नेह है उसकी वजह से हम लोग पिछले 8 दिन से इस तैयारी में लगे हुए थे। आज का ऐतिहासिक दिन, इतिहास में पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री इस मानगढ़ की पावन धरती पर आ रहा है, हम सब के लिए गौरव और गर्व का विषय है। यहाँ 13 नवंबर 1913 को यहाँ गुरु गोविंद के नेतृत्व में जो भक्तों पर अंग्रेजों ने जो बहुत बड़ा हमला किया, अत्याचार किया, और 1500 जो शहीद हुए हमारे जनजाति समाज के, उनको नमन करने के लिए, पावन पवित्र धूलि को वंदन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे, उनके स्वागत के लिए हम पलक पावड़े बिछा करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, विशेषकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर और मेवाड़ के लोग इनके प्रेम के खातिर बिना बुलाए आए हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित होगा, और हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बोलिए गुरु गोविंद महाराज की जय। बोलिए गुरु गोविंद महाराज की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जिंदाबाद, मानगढ़ जिंदाबाद, मानगढ़ जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमा भाई भी है जो वरिष्ठ नेता हमारे सागवाड़ा विधानसभा से, बताइए। प्रधानमंत्री जी का दौरा यहाँ मानगढ़ धाम में जो हो रहा है, ऐतिहासिक दौरा है, और जनता कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो देश में प्रधानमंत्री ऐसे हैं हमारे देश में, जन जन के प्रिय हैं, और उनका सबका एक ही सपना है, मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए हम उनको 2024 में भी वापस प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये जन सैलाब बता रहा है। धन्यवाद। साहब बताइए, आज जो मानगढ़ धाम पे जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, मोदी जी कितने बजे यहाँ पे पधारे मानगढ़? हाँ, एकता समाचार, राजू भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मानगढ़ धाम पर कल से इधर आप विराजमान हैं। बिल्कुल सर, 10:40 पर माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय पधार चुके हैं, और यहाँ एक ऐतिहासिक स्मारक की घोषणा करने वाले हैं, और यहाँ लाखों लोग यहाँ MP से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से, रावगढ़ क्षेत्र से, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से, घर घर से लोग यहाँ से पधारे हैं, और लोगों में काफ़ी उत्साह है। यहाँ हर लोगों में यह है कि इनके दर्शन मिले इस महात्मा के, इस प्रधानमंत्री महोदय के, और इस देश की जो नई नई योजना जो लागू किए उससे यह काफ़ी उत्सव की तरह प्रसन्न है। हम यही आशा करते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस रावगढ़ क्षेत्र में उनका सभी लाखों लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद सर। आशापुरा से हमारे भी चाहिए, वैसा बताइए आपके क्षेत्र से कांटा क्षेत्र कितने लोग आए? हजारों की तादाद में अभी भी पैदल चल रहे हैं लोग, यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और अभी पहुँच भी नहीं पाएंगे तब तक मोदी जी वापस निकल भी जाएंगे, इतना उत्साह है लोगों में, भारी उत्साह है लोगों में।